सुपौल के मरौना में 1 लाख आबादी बाढ़ प्रभावित है और प्रशासन स्तर पर बुधवार की सुबह 10 बजे तक महज 2 से 3 हजार परिवारों के बीच ही राहत सामग्री वितरित की गई। बाढ़ग्रस्त इलाके के अधिकांश परिवार राहत के लिए टकटकी लगाए हुए हैं। मरौना के प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि लक्ष्मी नारायण यादव उर्फ लाल बाबू ने बताया कि प्रशासन के सहयोग मरौना अंचल इलाके में अब तक 2 से 3 हजार लोगों के बीच सूखा राशन और पॉलिथिन बांटे गए हैं। काफी संख्या में लोग अब तक राहत पैकेज के लिए टकटकी लगाए हैं। उन्होंने प्रशासन से भी सहयोग की अपील की है। लोग मरौना प्रखंड में जो बाढ़ क्षति एरिया है, हालांकि पूरा प्रखंड फसल क्षति हुआ है, जहां पर अभी तक बहुत सर्वे भी नहीं हुआ है, वहां पर हम लोग सीओ साहब को भी कहे हैं जो सर्वे करवाने के लिए, और किसी भी क्षति हुआ है और बाढ़ एरिया में हम लोग अपने स्तर से प्रखंड अंचल पदाधिकारी के सहयोग से हम लोग जो पैकेट बंटवारा किए हैं पोलोथीन और चूड़ा 2-3 हजार के आसपास किए हैं। सुपौल से विष्णु, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विष्णु, देखिए जिस तरीके से मरौना में 1 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है, इसके बाद जो लोग हैं वो प्रशासन से मदद की अपील कर रहे हैं, टकटकी लगाए हुए हैं, क्या स्थिति है अभी? जी बिल्कुल, देखिए मरौना अंचल की यदि हम बात करें तो मरौना अंचल में जो है, मरौना के जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जो है बता रहे थे यहाँ के जो प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि हैं लक्ष्मी नारायण यादव और लाल बाबू जी ने बताया है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि 1 लाख आबादी मरौना में प्रभावित है। मरौना पंचायत में कुल 13 पंचायत है और 13 पंचायतों में लगभग प्राय सभी पंचायतों में जो है कुछ न कुछ जो है तबाही हुई है बाढ़ और बारिश से। लेकिन सबसे अधिक तबाही की यदि बात की जाए तो मरौना अंचल इलाके का घोघरड़िया पंचायत और सिसोनी पंचायत है, जहां जो है भारी तबाही मची है, जल प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, फसलों को नुकसान हुआ है, लोगों को जो है माल मवेशी और बच्चे के साथ जो है ऊंचे स्थान सुरक्षा तटबंधों पर रहना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां यह है कि अब तक जो है इन बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच जो है इनमें से महज 2 से 3 हजार परिवारों के बीच ही जो है सूखा राशन बांटी गई है और के बीच भी जो है राशन और अन्य सामान बांटने का जो है काम जारी है। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल ये उठ रहा है कि 2 से 3 हजार लोगों के बीच ही अब तक जो है प्रशासनिक स्तर पर पॉलिथीन सीट सूखा राशन दिए गए हैं। इसी को लेकर जो है लोगों में खास नाराजगी भी देखने को मिल रहा है और लोग जो है टकटकी लगाए हुए हैं कि उन तक जो है राहत और बचाव का काम पहुंचेगा ताकि उनकी भी परेशानी कम होगी। जी सीखा बिल्कुल विष्णु, और जिस तरीके से 1 लाख परिवार बाढ़ से प्रभावित हुआ है, जिसके बाद महज 2 से 3 हजार परिवारों को ही राहत का जो की जो सामग्री है वो वितरित की गई है, बाकी लोगों की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए कोसी नदी के जलस्तर में जो है लगातार अभी लगातार जलस्तर घट रहा है, क्योंकि नेपाल में बारिश थमी है और नेपाल में जब जब बारिश थमती है तो कोसी नदी का जलस्तर घटता है। लेकिन कोसी नदी के जलस्तर में कमी आने के बाद भी यहाँ परेशानी कम नहीं होती नजर आ रही है, क्योंकि नदी का जब जलस्तर घटता है तो घर खेत खलिहान इन तमाम जगहों पर तेजी से कटाव होने लगता है, दलदल जैसी स्थिति है। जिस भी इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचाई है और मचा रही है उन तमाम इलाके में अब भी दलदल जैसी स्थिति है और लोग जो है अब भी ऊंचे स्थान पर शरण लिए हुए हैं, चाहे वो सिकरहट्टा मझारी निम्न बांध हो, चाहे घोघरड़िया पंचायत का घाट वाला इलाका हो या बेला गांव हो अथवा अन्य जो भी इलाके हैं, तेलवा पंचायत है सुपौल सदर इलाके में, उन तमाम जगहों पर जो है लोग ऊंचे स्थान पर शरण लिए हुए हैं। सुपौल डीएम कौशल कुमार और आपदा के एडीएम मतलब राशिद कलीम अंसारी के नेतृत्व में जो है जगह जगह राहत केंद्र भी खोले गए हैं, जहां बाढ़ पीड़ित परिवार के लोग पहुंच रहे हैं और सरकारी स्तर से मिलने वाली योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। बिल्कुल विष्णु, नजर बनाए रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।